क्वालिटी जितनी अच्छी है ना, मुझे नहीं, मुझे तो मतलब सस्ता ही लग रहा है। गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो होप कि आप लोग बहुत अच्छी होंगी। मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। मैं बना रही हूँ पराठा और आलू बैंगन मटर की सब्जी। ये नाश्ता मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली आज मुझे अपने वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग करनी है, इसलिए मैं कुछ सॉलिड खाना बना देती हूँ ताकि भूख लगे तो खा ले। अब ऐसे कुछ सॉलिड खाना खा लो तो जल्दी भूख भी नहीं लगती। तो मैं अपना वॉशिंग मशीन कैसे क्लीन करती हूँ प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का कबर्ड है, ये मैं जितना अरेंज करके रखती हूँ ना उतना ही वो ख़राब कर देते हैं। मतलब कि एक शर्ट निकालने जाते हैं पीछे से दूसरा शर्ट गिरा देते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना गंदा लग रहा है, जल गया था, कढ़ाई से चिपक गया था, पूरा स्किन निकल गया है बाहर फ्रेंड्स, और अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है। अगर आप मेरा डेली ब्लॉग देखते होंगे तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो घर के बाहर है। और घर के बाहर कोई भी सामान रख दो तो गाइज़ वो सेफ़ तो बिल्कुल भी नहीं होता। धूप है, धूल है, बारिश है, सब कुछ गिरते रहता है वहाँ पे। तो काफ़ी गंदा हो गया था वॉशिंग मशीन। 1.5 से 2 महीना हो गया मैं साफ़ नहीं की हूँ अपना वॉशिंग मशीन। तो मैं सोची कि आज अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, मेरे पास आज समय भी था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो कवर है वॉशिंग मशीन का वो क्लीन कर रही हूँ ताकि जब तक मेरा वॉशिंग मशीन क्लीन हो कवर हमारा सूख जाए। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन की कंडीशन कैसी हो रखी है, कितना गंदा हो गया है, अंदर भी सर्फ चिपका हुआ है। मुझे तो पहले नहीं पता था कि इसे बाहर निकाल के साफ़ किया जाता है, पर एक बार मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी क्योंकि काफ़ी गंदा दिख रहा था तो ये बाहर निकल गया। मुझे लगा अरे वाह, तो मैं तब से इसे खोल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और सच में बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाता है। मुझे तो लगता है ना फ्रेंड्स कि एक हाउस वाइफ का काम ख़त्म ही नहीं होता। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं नोटिस की हूँ कि आज एक कॉर्नर साफ़ करती हूँ, कल दूसरा कॉर्नर साफ़ करती हूँ, तो तीसरा दिन क्या होता है कि पहला वाला जो कॉर्नर में जो साफ़ की रहती हूँ वो फिर से गंदा हो रखा होता है। और एक साथ पूरा घर साफ़ करना पॉसिबल तो है नहीं। अगर मेरा ब्लॉग एक हाउसवाइफ देख रही होंगी तो इस चीज़ को ज़रूर रिलेट करेंगी क्योंकि उनको भी ऐसा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। गाइज प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नहीं करते हैं। ये देखिए फ्लिपकार्ट से मेरा पार्सल भी आ गया, बहुत ही यूज़फुल चीज़ मंगाई हूँ फ्रेंड्स आप लोग के लिए। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट में मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत ही यूज़फुल है एक हाउसवाइफ के लिए। तो मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना गाइस, उसका जो पाइप है जहाँ से पानी निकलता है वो प्रॉपर नाले में फिट नहीं है, ऐसे ही मतलब रखा हुआ है। तो जब पानी मतलब कि जो सर्फ का पानी बाहर निकलता है पाइप से तो पूरा फैल जाता है, तो धीरे धीरे नीचे भी काफ़ी गंदगी आ जाती है। जैसे होता है ना सर्फ का एक मोटा लेयर बनते जाता है, तो वही मैं नीचे अच्छे से पानी डाल के साफ़ कर रही थी और फिर वॉशिंग मशीन को चारों तरफ से अच्छे से पोंछ रही हूँ। वैसे तो अंदर उतना गंदा नहीं रहता है क्योंकि मैं कवर लगा के रखती हूँ, फिर भी मैं अच्छे से इसे क्लीन कर दे रही हूँ। वॉशिंग मशीन को मैं बिना सब डाले स्टार्ट कर दूंगी 30 मिनट के लिए ताकि अंदर से भी वॉशिंग मशीन अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने और यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ पूजा का बर्तन। तो गाइज़ पहले ना मैं अपना पूजा का जो बर्तन था सर्फ से साफ़ करती थी, पर देखती थी कि उसमें काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, काफ़ी जोर लगा के साफ़ करना पड़ता है, फिर भी अच्छे से वो क्लीन नहीं होता था। तो उसके बाद मुझे पता चला पीताम्बरी के बारे में। एक्चुअली मेरी मेड बहुत पहले से कह रही थी कि दीदी पीताम्बरी ले लीजिए, पीताम्बरी ले लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। और जब मैं लेके आई तो सच में गाइस काफ़ी अच्छा से वर्क करता है पीताम्बरी, बर्तन एकदम गजब का चमक जाता है।
सो गाइज, पूजा तो मेरी हो गई है ख़त्म। मैं सीधे आ गई हूँ किचन में पूजा करने के बाद। एक्चुअली आने का तो मन नहीं कर रहा था, काफ़ी थकान लग रहा था फ्रेंड्स, लेकिन अगर अभी नहीं बनाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा लंच में। और पतिदेव जी का मन कर रहा था चाय पीने के लिए, तो मैं चाय भी बैठा दे रही हूँ। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ चावल दाल पत्ता गोभी की सूखी वाली सब्जी, और सुबह का जो बैंगन आलू मटर की सब्जी थी ना, वो भी थोड़ी सी बची हुई है, तो मैं बस यही तीन बनाने वाली हूँ। सो गाइज, मैं पत्ता गोभी की सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वैसे भी आजकल मसाले वाली सब्जी खाने का मन ही नहीं होता, मौसम इतना रूखा सूखा सा हो रखा है कि क्या ही बताएं। बाहर देखो तो एकदम सूना सूना सा लगता है और ऐसा लगता है कि गर्मी आ गई, तो बिल्कुल भी मसाला खाने का मन नहीं होता अभी। तो मैं पत्ता गोभी के लिए मैं डाली हूँ कढ़ाई में 2 चम्मच तेल, उसमें डाल देना है मेथी का फ़ौरन, ऊपर से डाल दें, फ़ौरन को ज़रूर काला कर लीजिएगा। मेथी कच्चा रहेगा ना तो सब्जी में उसका फ्लेवर कड़वा आता है, इसलिए काला ज़रूर कर लीजिएगा मेथी को। उसके बाद डाल देंगे पत्ता गोभी, हल्दी, नमक, मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 6 से 7 गार्लिक को भी डाल देंगे कूट के, और लो फ्लेम पे इसे हम पकने के लिए रख देंगे, मतलब सूखा होने तक बस पका लेना है। इधर मेरा ये वॉशिंग मशीन का कवर भी सूख चुका है, और ये बेड के साइड में मैं जो बिछाती हूँ ये भी मैं आज क्लीन की थी, तो ये भी सूख चुका है, इसलिए मैं अरेंज कर दे रही हूँ। अभी क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लगी, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, काफ़ी थक गई थी एक्चुअली। तो हुआ क्या कि सब्जी को तो मैं लो फ्लेम पे चढ़ा के आ गई थी, और वो नीचे से धीरे धीरे हल्की जल गई, तो सब्जी में जला जला सा हल्का सा फ्लेवर आने लगा। तो मुझे तो लगा पता नहीं हस्बैंड खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई चीज़ ख़राब होता है तो हस्बैंड नहीं खाते हैं, फिर मुझे ही उसे खा के ख़त्म करना पड़ता है, पर आज ऐसा नहीं हुआ, बड़े ही प्रेम से वो खा लिए। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फ्लिपकार्ट से क्या आया है। मेरा काम तो हो चुका है, मतलब सब्जी बन रहा है धीरे धीरे, वो लो फ्लेम पे धीरे धीरे हो रहा है। अभी राइस मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड बोले कि अभी खाने का मन नहीं कर रहा, जब खाने बोलेंगे ना तब मैं राइस बना दूंगी। तो अभी कोई काम नहीं है, 2 बज चुका है और मैं अभी आराम से बैठी हुई हूँ, तो सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्लिपकार्ट से ये आया हुआ है, और एक नहीं गाइस 2 आया है, ये देखिए 1 और 2, और ये दोनों इतना यूजफुल है ना, हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, खासकर आप जब कहीं ट्रेवल करते हैं तो ये तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनकी शादी हो चुकी है उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं है उनको कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन जिसकी शादी हुई है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये सामान है। चलिए मैं फटाफट से आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या है ये, आप देख सकते हैं दोनों का कलर, तो मैं एक एक करके निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, रुक जाइए। इधर तो ये देखिए गाइज, ये है चूड़ी का बॉक्स, और ये पूरा हार्ड है, इसके अंदर आप चूड़ी रखेंगे ना तो बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं रहेगा। मैं इसे ओपन करके भी दिखाती हूँ, तो ये देखिए इसमें 3 कंपार्टमेंट इस तरह से दे रखा है, अरे रे इस तरह से, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं या फिर 3 इस तरह से आप लगा के रख सकते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये प्रिंट, और ये मतलब प्रिंट नहीं है, ये कपड़ा ऊपर से ये वर्क दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो। और एक है ये, इसे भी मैं आप लोग को दिखा, सेम है अंदर से तो दोनों सेम है, लेकिन डिज़ाइन ऊपर से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो डिज़ाइन है ना गाइज, ये मैं नहीं मंगाई थी, मैं तो कुछ दूसरा मंगाई थी प्रिंट, पर ये दे दिया है, पर ये भी मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसे रिटर्न नहीं कर रही हूँ। ये देखिए ये देखिए गाइस, स्पेशली मैं इसे ट्रैवलिंग के लिए ही मंगाई हूँ, और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 220 या फिर 230 का ही होगा,
दो ढाई सौ का, और ये क्वालिटी जितनी अच्छी है ना, मुझे नहीं, मुझे तो मतलब सस्ता नहीं लग रहा है, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं काफी मेहनत कर रही हूँ उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।